तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों मैं आपसे कह सकता हूं ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। एक और एक आया, आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या, तेरे जैसे छप्पन आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। क्या भागे भागे? अरे मालिया भागा, ललित मोदी भागा, मेहर चौकसी भागा, सब लंदन भागे। भागने वाले होते तो लंदन से यहां नहीं आते। आया ना लंदन से, भागूंगा। अरे ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं नहीं जाने वाला हाजाज मेरी को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला ताज को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला कुतुब मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला लाल किले को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला चार मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला जामा मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला मक्का मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला किले गोलकुंडा को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला हैदराबाद को छोड़कर। अरे हिम्मत है तो तू यहां आ जा, भागना कैसा है हम बता देंगे। हम कहते हैं तो हमसे बोलते हैं भड़काऊ भाषण, हिंदी मीडिया कहते हैं कि जबान से आग निकलती है। अरे ये आग नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये नाइंसाफी की पुकार है, ये हक तलफी की चीख है। बोलने को तो बोल दिए, क्या बोल दिए? भड़काऊ भाईजान, शुक्रिया, शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हो, मोदी का भी भाईजान हो, योगी का भी भाईजान हो, मोहन भागवत का भी भाईजान हो, बीजेपी का भी भाईजान हो, आरएसएस का भी भाईजान हो, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईजान हो, बजरंग दल का भी भाईजान हो, सबका हो, राहुल तेरा भी भाईजान हो।